हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करते हैं कंपनी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2019 के बारे में। तो आज आप जानेंगे द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग DIR-3 KYC एंड प्रोसीजर फॉर फाइलिंग DIR-3 KYC वेब बेस्ड फॉर्म में, और किस डायरेक्टर को फाइल करना है DIR-3 KYC और किस डायरेक्टर को वेब बेस्ड वाला KYC फाइल करना है, और वेब बेस्ड KYC MCA पोर्टल पे कैसे हम फाइल करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे लाइव। तो आइए दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि ये दो फॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए थे, DIR-3 KYC जो लास्ट ईयर से फाइल हो रहा है, और इस साल DIR-3 KYC वेब बेस्ड एक फॉर्म और इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये दोनों फॉर्म है। अब बात करते हैं कि जो DIR-3 KYC है, ये फॉर्म किस किस डायरेक्टर को फाइल करना है। तो DIR-3 टू बी फाइल बाई, यानी फाइल करना है एन इंडिविजुअल, ये देख लेते हैं पहले, फर्स्ट वाला देखते हैं। एन इंडिविजुअल एक पर्सन हु होल्ड्स डिन, जिसके पास एक डिन है, एंड इज फाइलिंग हिज KYC डिटेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि वो पर्सन जिसके पास डिन है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और जो अपनी KYC डिटेल पहली बार फाइल कर रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि जिसको डिन नंबर 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद मिला है, वो व्यक्ति यहाँ पे कवर हो रहा है। और मैं ये और बताना चाहूंगा कि यहाँ जो पर्सन कवर होंगे वो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के पर्सन ही कवर होंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच जिसको भी डिन नंबर अलॉट हुआ है और वो पहली बार अपनी KYC फाइल कर रहा है, तो उस व्यक्ति को DIR-3 KYC फॉर्म फाइल करना है इस साल, KYC वेब बेस्ड वाला फाइल नहीं करना है। तो एक पर्सन तो ये होंगे जिनको KYC DIR-3 फाइल करना है। सेकंड कैटेगरी है ओवर द डिन होल्डर हु हैज ऑलरेडी फाइल्ड हिज KYC वंस इन DIR-3 KYC, यानी कि जो व्यक्ति अपना DIR-3 KYC के थ्रू अपना KYC फाइल कर चुके हैं लास्ट ईयर, एंड हु वांट्स टू अपडेट हिज डिटेल्स, यानी कि उनकी कुछ डिटेल्स में चेंज आ गया, लाइक उनका फोन नंबर चेंज हो गया, उनकी ईमेल आईडी चेंज हो गई, उनका एड्रेस प्रूफ में कोई चेंज हो गया, आधार कार्ड में चेंज कराया उन्होंने, कोई एड्रेस चेंज कराया, मोबाइल नंबर चेंज कराया, तो अगर ऐसा कुछ है, उनकी कुछ डिटेल्स में चेंज आ गए हैं, उनकी पैन नंबर में कुछ चेंज, नाम वगैरह में चेंज आया है, तो इस केस में भी जो डायरेक्टर ऑलरेडी DIR-3 KYC लास्ट ईयर फाइल कर चुके हैं वो भी सेम फाइल कर सकते हैं अगर उनकी कुछ डिटेल्स में चेंजेज हैं। अगर उनकी कुछ डिटेल्स में चेंजेज नहीं है तो वो आगे देखते हैं उनको करना है DIR-3 KYC वेब बेस्ड वाला। तो दोस्तों, ये फॉर्म क्लियर है कि आपको DIR-3 KYC फॉर्म डाउनलोड करना है, और उसको फिल करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करने के बाद, आपको सर्टिफाई कराना है एक प्रोफेशनल से, और सर्टिफाई कराने के बाद आपको करना है OTP जनरेट, एंड OTP उसमें इनपुट करने के बाद आपको फॉर्म वेरीफाई करने के बाद कर देना MCA की वेबसाइट पर फाइल। एंड सेकंड केस है हमारा DIR-3 KYC वेब बेस्ड फॉर्म। ये फॉर्म यूज किया जाएगा डिन होल्डर हु हैज सबमिटेड DIR-3 KYC ई फॉर्म इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जिस पर्सन ने अपना DIR-3 KYC कर दिया है लास्ट ईयर, लास्ट प्रीवियस ईयर में, और उसकी डिटेल्स में कोई चेंज नहीं है, एंड नो अपडेट इज रिक्वायर्ड इन हिज डिटेल्स, यानी कि सेम मोबाइल नंबर है, सेम ईमेल आईडी है, सेम ही उसका आधार कार्ड में कोई एड्रेस में, नेम में कोई चेंजेस नहीं है, पैन कार्ड में कोई चेंजेस नहीं है, और वो लास्ट ईयर DIR-3 KYC फाइल कर चुका है, तो इस केस में उसको फाइल करना है DIR-3 KYC वेब बेस्ड। वेब बेस्ड कैसे होता है ये हम आपको दिखाते हैं, और मैं बताऊंगा कि इस केस में आपको किसी प्रोफेशनल से सर्टिफाई नहीं कराना है, आपको सिंपली MCA की वेबसाइट पे जाने के बाद OTP जनरेट करना है, और जनरेट करने के बाद OTP इनपुट करने के बाद वेरीफाई कर देना है। तो आइए देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या क्या है DIR-3 KYC वेब बेस्ड फॉर्म के। तो ये है स्टेप्स फॉर DIR-3 KYC वेब बेस्ड वेरिफिकेशन। नंबर वन है लॉग इन टू योर MCA अकाउंट, MCA की वेबसाइट पर लॉग इन करना है,
नेविगेट टू एमसीए सर्विस, एमसीए सर्विस में जाने के बाद आपको जाना है डिंग सर्विस में, उसके बाद आपको जाना है DIR-3 KYC वेब बेस्ड। थर्ड आपका स्टेप है एंटर डिल नंबर टू बी वेरीफाइड, आपको जिस डायरेक्टर का आप केवाईसी करना चाहते हैं उस डायरेक्टर का आपको डिल नंबर डालना है। स्टेप नंबर फोर है जनरेट ओटीपी फॉर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। एक स्टेप और है कि यहाँ पे आपको नया ईमेल और मोबाइल नंबर नहीं डालने देगा, जो आपका लास्ट ईयर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर किया गया था उसी ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जनरेट होगा। स्टेप नंबर फाइव है फीड द ओटीपी इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस, यानी कि ईमेल का ओटीपी ईमेल वाले बॉक्स में और मोबाइल का ओटीपी मोबाइल वाले बॉक्स में। कंफर्म द डिटेल ऑफ द पर्सन अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन, यानी कि जैसे आप ओटीपी डालेंगे उसमें उस डायरेक्टर की डिटेल्स अपीयर हो जाएंगे यानी वो दिख जाएंगे, तो आपको कंफर्म कर देना है क्लिक करके। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा। जनरेट ए ₹0 चालान अगर आप ड्यू डेट से पहले पहले इसको फाइल कर देते हैं, यानी कि 30 सितंबर से पहले पहले फाइल कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई फीस नहीं लगेगी, तो ये आपका फाइल हो जाएगा। चेक SRM स्टेटस फॉर कंफर्मिंग द KYC वेरिफिकेशन, जो आपका चालान जनरेट होगा उसी में आपका एक SRM भी लिखा होगा, आप उस SRM के थ्रू MCA की वेबसाइट में अपने ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं और उसका अप्रूवल का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों देख लेते हैं कि ये MCA की वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद आप क्लिक करेंगे MCA सर्विसेज पर, MCA सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ये डिंग सर्विस में जो है लेफ्ट साइड में, सेकंड नंबर पर डिंग सर्विस, डिंग सर्विस के अंदर थर्ड नंबर पे आपका DIR-3 KYC वेब बेस्ड, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको डिन नंबर डायरेक्टर का डालने के लिए एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे आप डिन नंबर डाल देंगे। जैसे यहाँ पे डिन नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आपको ये बता देगा कि इसका ऑलरेडी DIR-3 KYC फाइल है या नहीं है। अब इस डायरेक्टर का DIR-3 KYC ऑलरेडी फाइल है जिसका मैंने डिन नंबर डाला है, तो ओटीपी जनरेट करने के लिए ऑटोमेटिकली इसका टैब ओपन हो गया। लेकिन अगर हम चेक करते हैं जो हमारा सेकेंड वाला डायरेक्टर है जिसका DIR-3 KYC फाइल ही नहीं है, तो उसका हम देखो क्लिक करते हैं, देखो एरर आ गई ना, प्लीज फाइल ई फॉर्म DIR-3 KYC टू सबमिट KYC डिटेल्स फॉर डिन नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि ये व्यक्ति फर्स्ट टाइम ही अपना डायरेक्टर KYC कर रहा है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या फिर जिनकी डिटेल्स में कोई चेंजेज हैं उनको DIR-3 KYC करना है, जिनकी डिटेल्स में कोई चेंजेज नहीं है और जो ऑलरेडी लास्ट ईयर कर चुके हैं उनको करना है DIR-3 KYC वेब बेस्ड। तो ओटीपी जनरेट करने के बाद आप ओटीपी सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपको जो है वेरीफाई कर देंगे, डिटेल आपकी अपीयर हो जाएंगी, उसके बाद आपको कर देना फाइल। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।